हेलो फ्रेंड्स, एड क्वेश्चन गुरु में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर एक ट्रिक लेकर आया हूँ, लेकिन ट्रिक शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करें, तथा अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक भी जरूर। आज जो SSC CHSL का जो एग्ज़ाम हुआ था उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आए हैं, उसका मैं आपको कुछ वर्णन कर देता हूँ। जैसे कुछ क्वेश्चन था, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, ठीक है, इसका मैं आंसर हो जाएगा बनना था, ठीक है, जो आँख का रोग है। फिर ऐसे कुछ था कलिंग का युद्ध से भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था, जिसका आंसर सम्राट अशोक का, जो 262 से 261 BC में लगाया गया था, ठीक है। एक क्वेश्चन था प्लेइंग इट्स माई बुक के लेखक कौन है, ठीक है, जिसका आंसर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर, ठीक है। कुछ एक और क्वेश्चन, कुछ इंडिया और US का जो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ था उसका क्या नाम था, इसका क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये सारे के सारे कुछ क्वेश्चन SSC LDC का जो हुआ था एग्जाम, उसको फर्स्ट शिफ्ट का ये क्वेश्चन है, ठीक है, जिसका इसका भी आंसर हो जाएगा ब्रज प्रहार, ठीक है। एक और क्वेश्चन था SMPT का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, जिसका जिसका मैंने आंसर यहाँ पर लिख दिया, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। कुछ एक और ऐसे ही कुछ क्वेश्चन था, वर्गीकी के जनक किसे कहा जाता है, ठीक है, तो इसका आंसर लिनियस हो जाएगा, ठीक है। अर्जेंटीना की राजधानी क्या है, ये भी पूछा गया था, जिसका हो जाएगा ब्यूनस आर्यस, ठीक है। फिर एक था इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, ठीक है, जो इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़, ठीक है। एक और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, रांची किस राज्य की राजधानी है, तो ये तो जानते ही हैं, झारखंड, ठीक है। फिर था दक्षिण ग्राम अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में है, ये भी क्वेश्चन आया था, ठीक है। फिर था मणिपुर का लोक नृत्य क्या है, ये सारे के सारे आज क्वेश्चन आया था जो मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ, ठीक है। फिर था पीस ऑफ केक, जो ATM फ्रेजेस था उसके वो आया था पीस ऑफ केक, ATM फ्रेजेस आया था, ठीक है। फिर था 10 2x + cot 2x + 2 का मान क्या होगा, ये पूछा गया था। फिर एक और क्वेश्चन था कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 1386 रुपये है तथा उसको 23% हानि पर बेचा जाता है तो क्रय मूल्य क्या होगा, इस टाइप का कुछ क्वेश्चन था, तो जिसका आंसर 1800 होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन आया था। अगर आपके पास भी कुछ क्वेश्चन है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखे, ताकि इसका भी सोल्यूशन करके मैं जल्द से जल्द डाल सकूँ, जिससे आप या फिर दूसरा स्टूडेंट भी इसका फ़ायदा उठा सके, ठीक है। ये आज जो मेरे आया था क्वेश्चन, उसकी मैं चर्चा किया हूँ, और आगे जो भी क्वेश्चन आएगा उसके मैं अगले वीडियो में चर्चा कर दूँगा। थैंक यू।